दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं चंपक चूनावाला को, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। चूनावाला ठरकियों के शहर लास वेगास में अपनी सिंगल माँ के साथ पला बड़ा था, जो कि एक शो गर्ल थी, जिसके चलते उसका पूरा जीवन सुंदर लड़कियों के बीच ही निकला, जिस वजह से वो खुद को लड़कियों के लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानने लगा। चूनावाला की शादी बर्बादी नाम की एक औरत से हुई थी और उसके साथ उसकी चपटी चूची नाम की एक 15 साल की बेटी भी थी। लेकिन अब बर्बादी ने चूनावाला को छोड़कर हाल ही में टेड नाम के एक आदमी से शादी की है और उसकी बेटी के भी उसके साथ कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं है। लेकिन चूनावाला की जिंदगी में अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर वो उनकी दबा कर लेता है, जिनमें से एक है उसकी क्रश लोला, जो कि एक कॉफी शॉप में काम करती थी। हम देखते हैं कि चूनावाला अपने काम में बहुत अच्छा है और वो लोगों को प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। हालांकि वो ये तो जानता है कि लड़कियों को पटाकर उन्हें अपने बिस्तर पर कैसे लाना है, लेकिन लड़कियों के मन में क्या चलता है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। अब अमेरिका में लड़कियां सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर ग्रुप बन चुकी थी और चूनावाला की क्षमताएं और स्किल्स तेजी से कम होती जा रही थी। इसके अलावा जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए बबीता नाम की एक लड़की को रख लिया है, तो ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस पोस्ट के लिए वो ही सबसे बेहतर है। लेकिन उसे पता चलता है कि बबीता उससे ज्यादा स्किल्ड और क्वालिफाइड है, जिस वजह से उसे ये पोस्ट मिली है। फिर अपनी शादी के रिसेप्शन में बर्बादी चूनावाला को बताती है कि वो अपने नए पति के साथ 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रही है, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आती चूनावाला को उसकी बेटी चपटी चूची का ख्याल रखना होगा। यहाँ पर चूनावाला को ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी का एक 18 साल का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कल्लू कबाड़ी है। अब उसको अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चपटी चूची को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चूनावाला कभी भी उसकी लाइफ में मौजूद ही नहीं था। इसके बाद हम बबीता को देखते हैं, जो कि काम के पहले ही दिन इस कंपनी को लेडीज के कंज्यूमर मार्केट में टॉप पर लाने का वादा करती है, और इसके लिए वो सभी इम्प्लॉयज को लड़कियों के सामान का एक बॉक्स देती है और उन्हें इसे बेचने के लिए कल एक नए आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। उस बॉक्स में एंटी रिंकल क्रीम, मस्कारा, लिपस्टिक, प्रेगनेंसी किट और कई तरह की चीजें होती हैं। फिर घर पर चूनावाला औरतों को मनाने के लिए कुछ आइडियाज को सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता। तभी चूनावाला अपनी बेटी के बैग को खोलकर उसमें से एक पॉप म्यूजिक की सीडी चलाता है, जिसके बाद वो शराब पीते हुए लड़कियों के एक एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन फिर वो जैसे ही लड़कियों की ब्रा को पहनने लगता है, तभी वहाँ पर चपटी चूची अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब अपने बाप की ऐसी हरकतों को देखते हुए वो शर्मिंदा होकर अपने बॉयफ्रेंड को वापस घर भेज देती है। चूनावाला अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे गालियां देकर अपने रूम में चली जाती है। अब चूनावाला अपनी एड कंपनी के लिए आइडिया सोच रहा होता है, जिस दौरान वो एक ड्रायर उठाकर उससे बकचोदियां करने लगता है, लेकिन तभी वो फिसल जाता है और ड्रायर पकड़े हुए सीधा बाथरूम में गिर जाता है, जिससे उसे करंट के झटके लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह चूनावाला को उसकी नौकरानी कमरे की सफाई के लिए जगाती है और कमरे में फैलाई हुई गंदगी को देखकर सोचने लगती है कि ये भोसड़ी वाला लड़कियों के सामानों के साथ क्या क्या बकचोदियां कर रहा था। तभी चूनावाला उसे कहता है कि ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए था। नौकरानी कहती है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। फिर वो नौकरानी सोचती है कि आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से पीछे से डलवाऊंगी, जिसको सुनकर चूनावाला कहता है कि आज तो तुम काफी मूड में लग रही हो। इस पर नौकरानी कहती है कि भोसड़ी के, मैंने तुझे कहां कुछ बोला। इसके बाद चूनावाला जब पार्क में घूम रहा होता है तो उसे उसके आसपास से गुजर रही लड़कियों की दिमाग की बातें सुनाई देने लगती हैं, जिनमें से कोई अपने कॉफी मेकर के खराब होने के बारे में सोच रही थी, तो कोई ये सोच रही थी कि आज रात को उसका बॉयफ्रेंड उसकी चीखें निकाल देगा। अब चूनावाला को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो औरतों की मन की बातें सुन सकता है। अभी सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी कोवर्कर उसे एक नंबर का चूतिया समझती है। अब कोई तो उसे छक्का समझती है और कोई उसकी घटिया शक्ल का मजाक उड़ाती है। अब चूनावाला की विचार पढ़ने की पावर से उसे पता चलता है कि डेरिन नाम की एक लड़की खुद की जान लेना चाहती है। इसके साथ ही उसकी सेक्रेटरी उसके साथ काम करके खुश नहीं है और वो कंपनी से बदला लेने के लिए कंपनी के फोन का इस्तेमाल अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए करती है। अब चूनावाला औरतों की मन की बातें सुन सुनकर बौखला जाता है और वो टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका कोवर्कर आकर उसे मीटिंग में ले जाता है। फिर मीटिंग में चूनावाला बबीता को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लड़कियों की विचारों को सुनने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन्हें बताने लगता है कि औरतों को क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। इसके बाद जब चूनावाला काम से घर आता है तो वो वहाँ पर अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ मजदूरी करते हुए देख लेता है। अब ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। अब ये देखकर उसकी बेटी चपटी चूची का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बाप को उल्टा सीधा बोलने लगती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि चूनावाला अब उन लड़कियों की बातों से परेशान हो चुका था जो कि उसके बारे में सिर्फ बुरी बातें बोल रही थी। इसलिए वो फिर से उसी ड्रायर का इस्तेमाल करते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगले दिन चूनावाला एक थेरेपिस्ट के पास जाता है जो उसकी बातें सुनकर उससे परेशान हो जाती है। अब पहले तो वो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन चूनावाला उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी मन की बातें सुन सकता हूँ। अब ये सुनकर वो थेरेपिस्ट उसकी मदद करने की बजाय उसे कहती है कि वो इस दुनिया का सबसे लकी आदमी है जो ये समझने में माहिर है कि लड़कियां चाहती क्या हैं। वो उसे बताती है कि वो अपनी शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकता है। अब ये सुनकर चूनावाला खुश हो जाता है और फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो सबसे पहले लोला को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसे वही सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाहती थी और फिर वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो मान जाती है। इसके बाद काम के दौरान वो अपने कोवर्कर से भी दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। वो एनी को उसके बॉयफ्रेंड के लिए ग्रीटिंग कार्ड देने को कहता है और डायरिन की उसकी फाइलों में मदद करता है। साथ ही वो बबीता के मन को सुनकर ये भी पता कर लेता है कि वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके बाद वो बबीता को उसकी हेल्प करने का ऑफर भी करता है। अब उनकी बातचीत के दौरान बबीता को पता चलता है कि चूनावाला की एक बेटी है और वो प्रॉम पर जाने वाली है। वो जानती थी कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए वो उसको ड्रेस चुनने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद चूनावाला अपनी बेटी को देखता है जो कि अपनी दो सहेलियों के साथ प्रॉम पर जाने के बारे में बात कर रही थी। वो चपटी चूची से मिलता है, लेकिन उसकी फ्रेंड शुरू में चूनावाला को एक अजीब बाप होने के लिए उसे नफरत करने लगती है, लेकिन तभी चूनावाला अपनी बेटी को प्रॉम ड्रेस की खरीदारी का ऑफर देकर तुरंत उसकी सहेलियों के सामने एक अच्छा डैड बन जाता है, जिसके साथ ही वो ज्यादा ओवर रिएक्ट करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। इसके बाद चूनावाला लोला को अपने साथ डेट पर लेके जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस डेट को उसके लिए सबसे अच्छी डेट बना देता है। इसके बाद जब वो दोनों मजदूरी करने के लिए लोला के घर जाते हैं तो वो शुरुआत में उसके साथ अच्छे से मजदूरी नहीं कर पाता, क्योंकि लोला उसके हर एक शॉट पर उसे मन में गालियां दे रही थी। लेकिन फिर उसकी बातें ध्यान से सुनकर चूनावाला लोला के साथ ऐसी मजदूरी करता है कि वो लोला की चीखें निकाल देता है, जिससे इंप्रेस होकर लोला अपने मन में उसके घोड़े को एनाकोंडा कहती है। अब चूनावाला लड़कियों के चेहरों पर ज्यादा फोकस करने लगता है और औरतों के साथ बार बार डेट पर जाकर उन्हें समझने की अपनी स्किल्स को सुधारने लगता है। चूनावाला बबीता के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगता है। वो बबीता के मन में से उसके आइडियाज को चुरा लेता है और उसे उसी का ही आइडिया सुनाकर इम्प्रेस कर लेता है, जिससे बबीता को लगता है कि उन दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है और वो उसे पसंद करने लगती है। इसके अलावा चूनावाला के अपनी बेटी के साथ रिलेशन अब ठीक होने लगते हैं। वो उसके प्रोम के लिए उसकी ड्रेस ढूंढने में मदद करता है, जिससे फाइनली वो उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर चूनावाला को शक है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने से पहले उसके साथ सिर्फ सोना चाहता है, और अगर उसकी बेटी तैयार नहीं है तो वो उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ मजदूरी करने से मना कर देता है। अब चपटी चूची पहले तो उसे ड्रेस खरीदने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन फिर वो उसे एक ओवर प्रोटेक्टेड फादर बनने से मना कर देती है। इसके बाद जब वो बबीता के साथ होता है तो वो उसकी मन की बातें सुनकर फिर से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बबीता के साथ ज्यादा टाइम बिताने की वजह से वो अब उससे प्यार करने लगा था। फिर एक रात डिनर डेट के बाद वो दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर लोला बाहर से उन्हें देख रही होती है। वो उसे बताती है कि उसका दिल टूट चुका है, क्योंकि उस रात की दमदार मजदूरी के बाद से चूनावाला ने उससे बात तक नहीं करी। अब चूनावाला को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कह देता है कि वो एक छक्का है और अगर वो स्ट्रेट होता तो वो जरूर उससे शादी कर लेता। अब ये सुनकर लोला को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो खुश होकर वहां से चली जाती है। फिर प्रेजेंटेशन के दिन चूनावाला बबीता के आइडियाज को चुराने की वजह से गिल्टी फील करके उसे ही इस प्रेजेंटेशन को पिच करने के लिए कहता है, लेकिन बबीता उसे मना कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारा आइडिया है, इसलिए तुम्हें ही ये प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। फिर मीटिंग से पहले चूनावाला को पता चलता है कि डेरिन पिछले कुछ दिनों से खुदकुशी करने के बारे में सोच रही है, और इस सब की वजह चूनावाला ही था जिसने उसकी प्रमोशन को रोक दिया था, जिस वजह से वो पिछले 2 साल से कंपनी में सिर्फ एक ही पोस्ट पर अटकी हुई है। इसके बाद चूनावाला अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर लेता है, जिससे उसकी फर्म इस कैंपेन के कॉन्ट्रैक्ट को जीत जाती है। अब इसका सारा क्रेडिट चूनावाला को जाता है, लेकिन वो जो ये बबीता के साथ कर रहा था इससे उसे खुद में ही बहुत बुरा लगने लगता है। इसके बाद वो बबीता को सॉरी बोलने के लिए एक लेटर भी लिखता है, लेकिन तभी बबीता वहां पर आ जाती है और उसे अपने एक घर में ले जाती है जो उसने नया ही खरीदा था। बबीता इस घर को लेकर बहुत खुश थी, जिसके बाद वो चूनावाला के साथ वहां पर पलंग तोड़ मजदूरी भी करती है। फिर अगले दिन चूनावाला अपने बॉस से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने चूनावाला को क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है और बबीता को काम से निकाल दिया है। उसका बॉस कहता है कि उसने बबीता को काम पर रखने की गलती की थी, क्योंकि उसने पूरी मीटिंग में अपना मुंह तक नहीं खोला।
अभी सुनकर चूनावाला को और भी बुरा लगता है और वो अपने बॉस से कहता है कि इस प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया बबीता का था और वो उसे बबीता को काम पर वापस रखने को कहता है। फिर चूनावाला खुद बबीता को ढूंढने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डैरिन जो खुदकुशी करने वाली थी वो आज काम पर नहीं आई है। अभी जानकर वो डर जाता है और डैरिन को देखने के लिए उसके घर जाता है ताकि वो उसे रोक सके। फिर रास्ते में चलते वक्त चूनावाला बिजली के खंभों में धमाका होते हुए देखता है जो कि सीधा आकर उसके ऊपर गिरता है। फिर घर पहुंचने पर चूनावाला को वहां पर एक सुसाइड लेटर मिलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डैरिन अभी भी वहीं पर होती है। फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए चूनावाला उसे कहता है कि वो उसके प्रमोशन का ऑफर लेकर आया है। फिर डैरिन से बात करते वक्त चूनावाला को पता चलता है कि अब वो उसके मन की बात नहीं सुन पा रहा, जिसका मतलब था कि उस बिजली के धमाके ने उसकी पावर्स छीन ली थी। इसके बाद वो बबीता के घर चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर नहीं है। इसके बाद चूनावाला को बर्बादी का फोन आता है जो उसे बताती है कि चपटी चूची उसे कहीं मिल नहीं रही। अब चूनावाला परेशान होकर सीधा प्रॉम में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वो एक होटल के वॉशरूम में रोती हुई मिलती है। चूनावाला उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर उसकी बेटी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी चूनावाला उसे कहता है कि मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। अब अपने बाप की बातों से खुश होकर उसकी बेटी रोना बंद कर देती है और उसके साथ वापस घर चली जाती है। अब चूनावाला अपनी बेटी को सुलाता है और फिर आधी रात को फिर से बबीता के घर आ जाता है। लकीली इस बार वो उसे घर पर मिल जाती है। अब चूनावाला उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो औरतों की मन की बातें सुन सकता है और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उसके आइडियाज को भी चुरा लिया था क्योंकि उसे कंपनी में प्रमोशन चाहिए था। इसके साथ ही वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब चूनावाला को लगता है कि ये सुनकर बबीता उसे लिपट जाएगी, लेकिन तभी बबीता उसे कहती है कि वो उसे काम से निकाल रही है। अब ये सुनकर चूनावाला को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो इसी का हकदार था, जिसके बाद वो दुखी होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बबीता उसे रोक देती है और कहती है कि उसने उसको माफ कर दिया है और वो भी उसे पसंद करती है। अब वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।